में आपका स्वागत है। आज हम बताने जा रहे हैं आपको एचपी डेल सत्ताईस 29 प्रिंटर के बारे में। एक्चुअली इसमें इशू क्या आ रहा है कि हमने नया कार्टेज लगाया है और वो फुल टू फुल रिफिल है, बट फिर भी इसमें जब भी हम कोई प्रिंट का कमांड दे रहे हैं लाइक कलर का या फिर ब्लैक का, तो वो प्रॉपरली पूरा का पूरा ब्लैंक पे जा रहा है। जैसे कि आप देख सकते हो हमने ये कलर का कमांड दिया है, आप देखना ये पूरा पूरा पेपर ब्लैंक छोड़ेगा। अभी हमने पेज भी डाल रखा है स्कैन के लिए। और ये प्रिंट होने में जरा टाइम भी लगा रहा है कुछ ज्यादा, आप देख सकते हो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो आप हमारे पेज को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, ताकि आपके पास भी कुछ इन्फॉर्मेशन आए और लोगों के पास भी इन्फॉर्मेशन आए। और आपके पास कोई भी एचपी या फिर एचपी के अलावा कोई और भी प्रिंटर्स हैं जिनमें कोई इशू आ रहा है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और अपने इशू को वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, ताकि हम आपको सर्विस दे सकें या आपके क्वेश्चंस के आंसर दे सकें, जिससे आपको सर्विस मिल सके। ये देखो सर, धीरे धीरे पेपर निकल रहा है बाहर की तरफ, कटे प्रॉपरली ब्लैंक निकलेगा भी बाहर निकलेगा तो। ये देखो सर, प्रॉपरली ब्लैंक ही आया हुआ है, जबकि हमने यहाँ पे ये वाला स्कैन के लिए फिर डाला था। और ये जो इशू है ये कार्टेज का भी इशू हो सकता है या फिर प्रिंटर के किसी पार्ट्स का जो लीक हो गया हो। और ये आप देखो यहाँ पे कार्टेज जो है लगा हुआ है इस प्रिंटर के अंदर, जो कि बिल्कुल ही नया है। मैं अभी आपको चेक कराता हूँ। ये एचपी 805 प्रिंटर इसमें लगता है, सॉरी कार्टेज लगता है, जो कि बिल्कुल ही नया हुआ और फुल टू फुल रिफिल है, पर फिर भी इसमें इशू आ रहा है और ये पेपर जो है प्रॉपरली ब्लैंक छोड़ रहा है।